मित्रों यह है चूना जो पान में लगाया जाता है, और चूना जो है 70 बीमारियों को ठीक करता है। चूना जो आप देख रहे हैं उसके कुछ टुकड़े एक मिट्टी के बर्तन में, जो पका हुआ हो बर्तन, उसमें डाल दें और पानी भर दें। जो पानी ऊपर आ जाता है, दूधिया कलर का हो जाएगा, वो पानी यूज होता है। वही एक चम्मच पानी किसी भी खाने की वस्तु के साथ लेना है। अगर इस तरह चूने का पानी नहीं लेना चाहते तो चूना एक गेहूं के दाने के बराबर को गन्ने के रस में, अनार के रस में, गाजर के रस में, दही के साथ, दाल के साथ या सब्जी में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। मित्रों 50 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कैल्शियम की दवा शरीर में जल्दी नहीं घुलती है, चूना तुरंत घुल जाता है और पच भी जाता है। अगर किसी को पीलिया हो जाए, जॉइंटेस हो जाए, तो एक गेहूं के बराबर की मात्रा लेकर गन्ने के रस में कुछ दिन प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, तो पीलिया बहुत जल्दी ठीक होता है। चूना पुरुषों में शुक्राणु बढ़ाने में सहायक है और स्त्रियों में अंडाणुओं को बढ़ाने में सहायक है। विद्यार्थियों को अपनी लंबाई बढ़ानी हो या स्मरण शक्ति बढ़ानी हो तो चूने का प्रयोग करें, सेवन करें। जिन विद्यार्थियों में बुद्धि कम है या जिन बच्चों में बुद्धि कम है, जो देर में काम करते हैं, देर से सोचते हैं और जो बहुत स्लो हैं, उन्हें खिलाएं चूना। माता और बहनों को जिनको मासिक धर्म में परेशानी होती हो या जिनका मासिक धर्म बंद हो गया है, वो सेवन करें चूना। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें अनार के रस में मिलाकर चूने का सेवन कराएं। लेकिन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर किसी के कमर दर्द है, घुटने दर्द है या फिर शरीर में थकावट सी महसूस होती है, शरीर थका थका सा रहता है, तो खाएं चूना। मित्रों कई बार रीढ़ की हड्डियों में गैप आ जाता है या हड्डी टूट जाती है, तो चूने का सेवन करें। अगर दांतों में ठंडा और गर्म पानी लगता हो तो चूने का सेवन करें। अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो चूने का पानी एक चम्मच का सेवन करें तो छाले बहुत जल्दी ठीक होते हैं। मित्रों जिनको एनीमिया है, खून की कमी है, तो चूना को गन्ने के रस में या अनार के रस में या संतरे के रस में सेवन करें। घुटनों में अगर घिसाव आ गया है तो चूने का सेवन करना चाहिए, और इसके साथ में हर श्रृंगार पारजात के 5 पत्तों का काढ़ा बनाकर रोजाना किसी भी एक समय लेंगे तो घुटनों में जो घिसाव आ गया है वो ठीक हो जाता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं चूना का प्रयोग कैसे करना है। चूना का एक टुकड़ा या दो टुकड़े छोटे से मिट्टी के बर्तन में डालकर पानी से भर दें। चूना गलकर नीचे और पानी ऊपर होगा। वही एक चम्मच पानी किसी भी खाने की वस्तु के साथ लेना है। अगर इस तरह चूने का पानी नहीं लेना चाहते तो चूना एक गेहूं के दाने के बराबर को गन्ने के रस में, अनार के रस में, दही के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ सेवन करें। यह है प्रयोग करने का, सेवन करने का ढंग। मित्रों अगर छोटे बच्चे को करना है तो इसकी आधी मात्रा कर दें, और विशेष ध्यान यह है कि प्रयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।
मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा कल्याण।